हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देख लिया ना आपने इनको कैसे चाय की चुस्की ले रहे हैं और यहाँ बीच रास्ते में खड़े होके और ये कर रहे हैं। देखो मस्ती है। मैंने बताया ना छोटी सी दुकान यहाँ पे एक और रास्ते के बीच में खड़े होके। ये संडे के संडे ऐसे ही आते हैं घूमने के लिए कि चलो ठीक है कहीं थोड़ी सी दूर घूम के आते हैं। और आज मुझे भी लेके आए हैं कि देखो उधर चलते हैं कहीं। और इनकी चाय हो गई है ख़त्म और अब ये देखो कप को कैसे फेंक रहे हैं। अगर आपने देखो कितनी कितना तंग करते हैं ये, है ना। और देख लो ये सावधानी बिल्कुल नहीं है, बाहर की चाय पी रहे हैं आके। तो चलिए आज हम कहाँ घूम रहे हैं दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार तो बारिश होकर रुक चुकी है और ये कर रहे थे बारिश रुकने का इंतजार। बारिश रुके और मैं घर से बाहर भागूं। बादल आप देख लीजिए और देख लीजिए यहाँ घटा में ये चाय की चुस्की यहाँ ले रहे हैं। ये बेचारा एक ये डॉगी भी बोल रहा था मैं भी चाय पीऊँ, लेकिन इन्होंने डॉगी को चाय नहीं पिलाई। और कीचड़ देख लीजिए रास्ते में कितना हो रहा है, कितना पानी हो रहा है। तब भी इनको घूमना था, बस इनको घूमना है। और ये बाग देख लीजिए यहाँ पे है, ये यूके लिप्टिस के बाग। और मौसम तो यहाँ का अच्छा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ठंडी आज बहुत हो रही है। आज बहुत ठंडी हो रही है और मैंने इनको बोला भी था कि आज मत जाओ, यहाँ कुछ बन रहा है, ये सोफों की दुकान। तो हम इनकी ये फेवरेट जगह है, इधर ही आते हैं ये घूमने के लिए जब भी आते हैं। तो देख लीजिए और देखिए कितनी घटा अभी भी हो रही है और बारिश होने वाली है, कभी भी हो सकता है। और इधर का जो आसमान है वो थोड़ा थोड़ा सनसेट दिख रहा है कि अभी सनसेट हो रहा है। काफ़ी अच्छा तो मौसम हो रहा है, लेकिन ठंडी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है, अभी ने पता नहीं लग रही कि नहीं लग रही है, मुझे तो ठंडी लग रही। मेरा तो मूड भी नहीं था, तो बोले कि चलो ठीक है कहीं घूम के आते हैं। मूड ऐसे ही घर में पड़े पड़े, तू भी बोर हो रही है, टेंशन हो रही है, तो चल तेरी टेंशन दूर करता हूँ और तुझे घुमा के लाता हूँ। देखिए ये जो बरगद का पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ है, ये बोलते हैं कि बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना पेड़ है ये। तो और देखो बोल रहे हैं कि इसमें भूत रहते हैं और ये यहाँ पे गाय लोग ना ऐसे ही चढ़ती रहती है। देखो कितना वो है, यहाँ पे कोई गाय को बांध के नहीं रखता है। और इस साइड में भी काफ़ी घर बन गए हैं, काफ़ी देख लीजिए। और इधर ये देखिए इधर भी ये कितनी बन गई, एक दो तीन चार मंजिली, चार मंजिली इमारत बनी हुई है। और सामने आप देख लीजिए कितनी तेज घटा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बस कोई पल में बारिश यहाँ पे आने वाली है। सामने का आप बादल देख लीजिए, आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा इतना काला, लेकिन रियली में बहुत काला है। और इनकी स्पीड बढ़ गई है, देखो अभी यहाँ पे गड्ढा, देखो ये गड्ढे भी नहीं देख रहे क्योंकि बारिश कभी भी पड़ सकती है। और ये स्कूटी की स्पीड बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा लगा दिए। यहाँ का मौसम जो है ना पता ही नहीं चलता कि दोपहर तक यहाँ पे धूप थी, नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बट अभी यहाँ पे फिर से दोबारा से बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ की रोड ना बिल्कुल ये ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पे ना मोटे मोटे सीवर के और पानी के पाइप डल रहे हैं। और देखिए जो बीच बीच में रास्ते में पूरी रोड इन्होंने खोद के डाल रखी, पूरा बेंगलोर खोद के डाल दिया इन्होंने। जिधर भी चले जाओ ना बेंगलोर में, वहीं पे ही कीचड़ है, देखो क्या हाल है। और ये बारिश में माय गुडनेस, सामने से कोई गाड़ी आ जाए ना हालत ख़राब हो जाती है, डर लग जाता है कि इधर गड्ढा है, खुदा हुआ है तो कैसे करेंगे।
तो चलिए आज का व्लॉग घूम लिए आप लोग भी और हम भी, और मेरा मूड तो अभी भी ऐसा ही है। ये गाय हैं यहाँ पे और कीचड़ देख रहे कितनी है, उस कीचड़ में इन्हें गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आ रहा है देख लीजिए। और अभी तो बारिश आने वाली है और ज़्यादा कीचड़ हो जाएगी, पानी देखो कैसे भरा हुआ है, डग डग देखो। और बस हल्की फुल्की बूंदें गिरने लगी हैं, और वैसे तो हम भी घर के नज़दीक हैं, देख लो घर के नज़दीक सामने का बादल। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं और हम पहुंच गए हैं, बच जाएंगे बारिश से भीगने से। तो चलिए आज भी आपने भी शेयर कर दी और शेयर कर दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।